उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी से जूझना ना पड़े, इसलिए सरकार से लेकर प्रशासन स्तर तक सुरक्षा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया और ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस बल को श्रद्धालुओं के साथ सौम्य व्यवहार रखते हुए उनकी मदद करने के भी निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने अतिथि देवो भव की भावना से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गढ़वाल भ्रमण के दौरान पुलिस महानिदेशक ने कहा कि बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर के आसपास के स्थानों की सुरक्षा, मंदिर के बाहर अंदर की सुरक्षा व्यवस्थाओं, भीड़ नियंत्रण के लिए बनाए गए पुलिस प्रबंधन का जायजा लिया गया। इसके बाद श्रद्धालुओं से संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने विषम परिस्थितियों में ड्यूटी कर रहे जवानों की हौसला अफजाई की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु हमारे अतिथि के समान हैं। हमें अतिथि देवो भव की भावना के साथ यात्रियों की सुरक्षा और सहयोग करते हुए बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सहभागी बनकर उन्हें श्रीहरि के दर्शन कराकर उनकी सुखद यात्रा संपन्न करवानी है। साथ ही श्रद्धालुओं के साथ मधुर और विनम्र व्यवहार कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। बुजुर्ग, दिव्यांग और बीमार श्रद्धालुओं के लिए मंदिर समिति के सदस्यों से समन्वय स्थापित कर सुगमता से दर्शन कराने के लिए निर्देश दिया गया। उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ अवनीश जैन की रिपोर्ट। देखिए, कल 20 मई को मैं दोपहर बाद आ गया था यहाँ बद्रीनाथ धाम रोड आया था। तो रास्ते में तो कई जगह देखा, हमें ट्रैफिक रोकने की जरूरत पड़ी थी जा रहा था, क्योंकि यहाँ बद्रीनाथ धाम में भी जो कैपेसिटी है लगभग 30,000 से 35,000 यात्रियों की टोटल कैपेसिटी है। और हम देख रहे हैं कि चूँकि यहाँ अभी निर्माण कार्य भी चल रहे हैं, तो इसलिए वो कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है और वाहनों की पार्किंग की भी समस्या है। तो उसको देखते हुए हमने पूरे रास्ते जो है ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जगह जगह गाड़ियों को रोका जा रहा है। कल रात मैंने आके शाम के जो प्रबंधन थे वो भी देखे। शाम को भी रात के 9 बजे लगभग 1 किलोमीटर से थोड़ा कम की श्रद्धालुओं की लाइन लगी थी। और आज सुबह भी जब मैं गया वहाँ व्यवस्थाएँ देखने, तो लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी श्रद्धालुओं की। और स्पष्ट है इस बार बद्रीनाथ धाम में भी रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं। और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है कि यहाँ जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, सबसे पहले उनकी सुरक्षा और उनकी सुविधा, दोनों ही चीज़ों को देखना है। कई जगह मैंने देखा लाइन में भी यात्रियों में आपस में थोड़ा सा धक्का मुक्की का वैसा माहौल था। तो हमारी सबसे पहले तो सभी तीर्थयात्रियों से जो इस साल चारधाम यात्रा की योजना बना रहे हैं, उनसे आग्रह होगा कृपया पंजीकरण कराकर ही आए। बिना पंजीकरण के हम यात्रियों को आने देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस समय जो भीड़ का दबाव है उसमें हम सिर्फ पंजीकृत यात्रियों को ही टिकट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ये कहेंगे कि जगह जगह भीड़ का अत्यधिक दबाव को देखते हुए हमने रास्ते में मोटर मार्ग पर भी हमने जगह जगह ट्रैफिक को रोका है। तो जब रोका जा रहा है तो उसमें कृपया ट्रैफिक रोके जाने में पुलिस का सहयोग करें, वो आप ही की सुविधा और आप ही की सुरक्षा के लिए।